हेलो दोस्तों, मैं शिवशंकर कुमार बोल रहा हूँ। ये मेरे पास माइक्रोमैक्स का एक 32 इंची का एलईडी बनने आया है। इसका बैकलाइट बार बार ख़राब होता है। मैंने इसे भी खोल रखा है। ये देखिए, इसका पैनल है, मैंने बाहर निकाला है। ये टीवी है, मैंने इसमें भी नया दो बैकलाइट लगा दिया है नया। एक में 6 एलईडी है, 1 2 3 4 5 6 पूरा 6 एलईडी है, 2 है। और इसमें आउटपुट वोल्टेज 41 वोल्ट निकल रहा है, जो कि ज़्यादा है। और ये इसका पुराना वाला है, जो मैंने अभी बदला है इसे। ये मैंने इसे, अब मैं इसे पहले बैकलाइट तो लगा दिया हूँ। वोल्टेज अभी मेरा 41 वोल्ट आ रहा है। एक पैनल लगा के मैं इसका वोल्टेज कम करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैंने टीवी चालू कर दिया है। आप बैकलाइट देख सकते हैं, ग्लो कर रहा है। और मैं इसका वोल्टेज भी आपको दिखा रहा हूँ, 42 वोल्टेज है। ये देखिए, ये मैंने मीटर का प्रॉब लगा रखा है और ये 42 वोल्टेज है, यानी 6-8 वोल्ट ज़्यादा है। इसके कारण ये बार बार बैकलाइट का प्रॉब्लम आ रहा है। और टीवी मेरी चालू है, आप ग्लो देख सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। ये देखिए, टीवी चालू है मेरा। ये मैंने इसका बैकलाइट निकाल दिया है और स्पीकर का भी तार निकाल दिया। अभी यहाँ पर देखिए, ये 3 रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, इसका नंबर आप देख सकते हैं। R50 है, तो मैं एक रेजिस्टेंस से भी रिमूव करता हूँ, उसके बाद देखता हूँ वोल्टेज कितना कम हुआ है। मैंने एक रेजिस्टेंस निकाल रखा है, वो आप देख सकते हैं दोस्तों। मैंने 20 से एक रेजिस्टेंस निकाल दिया है। मैं आपको इसका वोल्टेज दिखाता हूँ। टीवी मेरी अभी चालू है, आप बैकलाइट देख सकते हैं, ग्लो कर रहा है। तो मैं आपको मीटर पर आप फोकस कीजिएगा। आप मीटर पर फोकस कर सकते हैं, देखिए 39.2 वोल्टेज हो गया है। इसमें 3 वोल्ट ज़्यादा है, तो 3 वोल्ट चलेगा, लेकिन ये 8 वोल्ट ज़्यादा था। अब मेरा बैकलाइट भी चल रहा है, मैं आपको पीछे से एक बार दिखा देता हूँ चालू करके इसे। फिर से स्क्रीन में दिखाता हूँ, टीवी अभी हमारी चालू है। ये देखिए, नो सिग्नल पर है। मैं इसे पूरी तरह टाइट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं रेजिस्टेंस फिर से आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये मैंने भी से निकाल रखा है, ये रेजिस्टेंस का देखिए, इस बीच में से निकाला है एक रेजिस्टेंस। ये मदरबोर्ड है इसका, ये ले जी दोस्तों। ये देखिए, मैंने टीवी को पूरी तरह से कस दिया है और काफ़ी, ये देखिए माइक्रोमैक्स का है और अच्छा चल रहा है। पिक्चर भी ठीक है, बैटरी में कोई तरह की दिक्कत नहीं है। मैं आपको इसका मॉडल नंबर दिखा देता हूँ एक बार। ये इसका मॉडल नंबर है माइक्रोमैक्स का, 32 से। इसमें प्रॉब्लम था बार बार बैकलाइट ख़राब होने का। इसमें बैकलाइट पे
ज़्यादा वोल्टेज बन रहा था, तो मैंने एक रेजिस्टेंस ओपन करके सेट को पूरी तरह ओके कर दिया है। ये सेट मेरा बिल्कुल ओके है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।